हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखोगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ 13 × 75 को लिखा जा रहा है 5731 एंड देन 27 × 34 को लिखा जा रहा है 4372। उसी तरह से ये दिया हुआ है और आपसे पूछ क्या रहा है कि 16 × 36 अगर हो तो उसका कोड क्या होगा। ठीक है, तब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे देखोगे, ध्यान से देखोगे। यहाँ पे जो गिवेन है 13 और 75, तो यहाँ जो इसका कोड दिया हुआ है 5731, तो ये जो है ना 537 है, ये सारा नंबर यहीं पे है ना। तो देखोगे जस्ट क्या हो रहा है, यहाँ से देखो आप, ये उल्टा हो, रिवर्स हो रहा है 5731। तो क्या ये प्रोसेस यहाँ भी है, चेक करते हैं। यहाँ पे 4372 है, यहाँ पे इस वाले को देखते हैं 2451। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, 6361। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर फिर हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखोगे ये फिगर में ये आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे देखोगे, तो हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ देखोगे 40 है, 30 है, तो हम क्या करेंगे इसी तरह से देंगे, यानी फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड कॉलम, उसके बाद थर्ड कॉलम से हम लोग आंसर को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये चेक करेंगे ये 40 कैसे आया और ये 30 कैसे आया, यहाँ जो नंबर दिया है ना इससे। क्लियर है, तो देखोगे ध्यान से, तो ये एक्चुअली ये होगा क्या, 48 को 5 से अगर इंटू कर दें तो 40 हो जाएगा, बट एक्स्ट्रा तो 2 आ रहा है, तो शायद कुछ ऐसा होगा क्या, 5 × 2 × 8 और डिवाइड बाई 2 कर दो, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 5 जा हो जाएगा 40। तो ये प्रोसेस हमें यहाँ भी फॉलो होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चेक करते हैं। तो ये देखोगे अगर इसको डिवाइड करोगे, अगर इस तरह से इंटू कर लो पहले और जब डिवाइड 2 से करोगे तो ये कितने बार में जाएगा, 2 times, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, जो कि आपके पास है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोसेस आपको पता चल चुका हुआ है, तो सेम प्रोसेस से हम लोग आंसर को फाइंड करेंगे। तो 2 × 1 2 होगा एंड देन × 10 करोगे 20, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 10 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 10। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया हुआ है कि इफ़ अ सर्टेन लैंग्वेज टीचर इज रिटन एज, ये भी कोडिंग का क्वेश्चन है, टीचर को ये कोड से लिखा जा रहा है, देन आपसे पूछ रहा है कि हाउ विल हर्ट बी रिटन। ठीक है, तो देखोगे ध्यान से, अब आपसे जो पूछ क्या रहा है, HEART, तो ये HEART यही है ना टीचर में, तो हम क्या करेंगे, ये तो टीचर का ऑलरेडी कोड दे दिया हुआ है, डी के लिए अगर L लेते हो, E के लिए M लेते हैं, A के लिए K लेते हैं, तो उसी तरह से अगर यहाँ पूछा क्या है HEART, जो कि यहाँ पे मौजूद है लेटर। ठीक है, तो H के लिए फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखोगे लास्ट से अगर देखोगे तो थर्ड में है, तो इसके लिए क्या होगा N, सो हमारा H के लिए आ जाएगा N, उसके बाद E, अब यहाँ से देखोगे सेकेंड नंबर पे तो ये हो गया M, एंड देन उसके बाद A, तो यहाँ से देखो आप थर्ड नंबर पे, तो ये थर्ड नंबर पे क्या हो जा रहा है K, उसके बाद है आपका R, R है ये आपका लास्ट यानी P, और ये हो गया आपका T, तो T तो फर्स्ट में है तो L हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ट का कोड NMKPL। ऑप्शंस में देखोगे ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा NMKPL, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ दिया हुआ है कि क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड्स इन अ सिंगल लाइन, वन बॉय इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ द एंड्स, तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए और एक ही स्टूडेंट, मान लो ये एक लाइन है, इधर से भी काउंट कर रहे हैं, इस साइड से काउंट कर रहे हैं, तो बॉयज़ मान लो यहाँ पे 19th में है, और इस साइड से भी आप काउंट कर रहे हो तो 19th पोजीशन में हो रहा है, यानी टोटल आपसे पूछ रहा है कि इस लाइन में कितने स्टूडेंट हैं। कैसे निकालोगे, देखो एक ही बॉयज़ को दोनों तरफ से काउंट किया जा रहा है ना, तो हमें करना क्या होगा, 19 + 19 एंड देन एक ही बॉयज़ को दो बार काउंट किया जा रहा है तो -1 कर दोगे, यानी हो जाएगा 38 - 1 यानी 37। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ लाइन 37, जो कि ऑप्शन नंबर में है बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया हुआ है, देखो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, यू गो 7 मीटर नॉर्थ,
टर्न राइट, तो आपको डायरेक्शन पहले पता ही होगा, ये होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड देन ये साउथ। यहाँ बोला है कि 7 मीटर कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, तो हम मान लेते हैं सपोज यहाँ से स्टार्ट किए नॉर्थ की तरफ 7 मीटर ये है। टर्न राइट, उसके बाद टर्न राइट यानी अब अपने आप को सोच लो कि इस साइड ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी आपका राइट पोजिशन इस साइड होगा, तो राइट ले रहा है और फ्रॉम 3 मीटर यहाँ से मान लेते हैं ये हो गया आपका 3 मीटर। देन टर्न अगेन राइट, तो अब यहाँ से आप ऐसे जा रहे हो यानी राइट आपका नीचे की तरफ होगा, एंड राइट अगेन फोर 7 मीटर, अब यहाँ से जाने के बाद 7 मीटर। तो देखोगे यहाँ से स्टार्ट किए तो 7 गए थे ना, तो एकदम सेम स्ट्रेट यही इसी लाइन पे आ जाओगे, ठीक है, ये जो है ना स्ट्रेट, अब ये देखोगे इस तरह से ये जितना यहाँ से स्टार्ट किए थे यहीं पे आ जाएगा क्योंकि ये भी 7 है, ठीक है। एंड देन गो टू द लेफ्ट, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, लेफ्ट जा रहा है, तो फिर आप ऐसे आ रहे हो तो आपका राइट इस साइड होगा, लेफ्ट किधर होगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है। गो टू द लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ, अब वो किस डायरेक्शन में है, यानी इस साइड है तो इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट की तरफ बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन, ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ देखोगे ये सीरीज का क्वेश्चन है और ये दिया हुआ है जेड है, यू है, क्यू है, एंड देन ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, यहाँ एल दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, एक तो सिंपल सा है कि ये डिक्रीज हो रहा है ना, तो हमें क्या करना होगा, आप काउंट करके भी फाइंड कर सकते हो, या फिर आपका अगर पोजीशन पता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो उस पोजीशन को लिख लोगे तो भी आप विद इन सेकंड आंसर को फाइंड कर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर जेड को फाइंड करें तो कितना होगा, ये हो गया 26, उसके बाद यू देखोगे तो ये हो जाएगा फिर 21, उसके बाद हमारे पास है क्यू, क्यू को आप देखोगे तो क्यू का हो गया 17, नेक्स्ट वाला आपको फाइंड करना है, और उसके बाद एल दिया हुआ है, एल हो गया आपका 12, ठीक है ना, यहाँ तक। अब देखोगे अब ये तो नंबर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो ये कितने का गैपिंग है, तो इस गैपिंग को सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखोगे तो 21 माइनस 17 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, अच्छे। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें नहीं पता तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, 5 4 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है तो ये तो हो जाएगा 3, और उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, फिर 1 माइनस करोगे तो 2 होगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो देखोगे अब हमारे पास में अब इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो 14 आएगा, 17 माइनस 3, अब अगेन माइनस 2 करोगे तो ये 12 आएगा जो कि है आपके पास, और 14 में क्या होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये आपको पता ही होगा n होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा n, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ देखोगे यहाँ भी ये क्या है, एक सीरीज के ही क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखोगे यहाँ पे 3-3 लेटर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ का जो फर्स्ट लेटर है ना, इसका फर्स्ट, इस तरह से हम लोग आंसर को फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप लास्ट से भी काउंट करो, या फिर नहीं मिला तो हम लोग तीनों देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखोगे इसका फर्स्ट लेटर ए बी सी डी, तो नेक्स्ट क्या होगा, ई होगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं जेड, जेड से 1 माइनस हो रहा है यानी वाई है, यानी आप यहाँ से देखोगे डब्ल्यू एक्स वाई जेड, W के नीचे क्या होगा, VW ना, तो ये हो गया आपका V, क्लियर। अब यहाँ देखोगे ये है Y X W V, तो उससे नीचे क्या होगा, U V W X Y, तो यहाँ हो गया आपका U। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा E B U, ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर B करें। तो दोस्तों आज मैंने रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, जितने भी क्वेश्चंस आज करवाए ये सारे क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स में पूछे गए थे, तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।